बात करेंगे ओमिक्रोन पर। ओमिक्रोन से पूरी दुनिया दहशत में आनी शुरू हो गई है, लेकिन भारत में अभी भी लोग असहज हैं। भारत देश में कोरोना के सबसे संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रोन को आए 9 दिन हो चुके हैं। 2 दिसंबर को जब पहले ओमिक्रोन संक्रमित की पुष्टि हुई थी तो केंद्र और राज्य सरकारों ने ऐलान किया था कि वैक्सीनेशन तेज करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा आबादी को सुरक्षित किया जा सके। दूसरी ओर दुनिया के 30 से ज्यादा देशों ने बूस्टर डोज की रफ्तार बढ़ा दी। अमेरिका और यूरोप के ज्यादातर देशों में बूस्टर डोज अनिवार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इधर भारत में बूस्टर तो दूर, सामान्य वैक्सीनेशन की रफ्तार भी घट गई है। 2 दिसंबर को देश में रोज लगने वाले टीकों का औसत 81,39,000 था, जो अब 74,44,000 रह गया है। यानी जब दुनिया वैक्सीनेशन तेज कर रही है, भारत में ये 8.5% तक घट चुकी है। झारखंड, पंजाब, बिहार, यूपी और महाराष्ट्र में तो ऐसे हैं जहां अभी 50% से ज्यादा वयस्क आबादी को दोनों डोज नहीं लग पाए हैं। इसी वजह से विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। ये हालात तब हैं जब दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू हुए 2 माह से ज्यादा समय हो चुका है। अगर बात देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की करें तो यूपी में ओमिक्रोन नहीं लेकिन डेल्टा वेरिएंट के संक्रमितों की संख्या में फिर से इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में आया डेल्टा वेरिएंट संक्रमितों की संख्या राजधानी में फिर से बढ़ने लगी है। ओमिक्रोन के खतरे के बीच डेल्टा वेरिएंट के रोगियों की लगातार पुष्टि हो रही है। संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। कोरोना काल के दौरान 2020 से अब तक लखनऊ में 2,38,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। संक्रमित रोगियों में 2,651 व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कोरोना की दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट ने कहर बरपाया था। अब भी संक्रमितों की संख्या में काफी कमी आई है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से थमती नहीं दिख रही है। बताते चले कि देश में अब ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। इसके इतर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पॉल ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन के आकलन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि देश में मास्क का इस्तेमाल कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के पहले की अवधि की तुलना में कम हो गया है। ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा, हम आपको आगाह करते हैं कि अभी मास्क हटाने का वक्त नहीं है। इस तरीके से हम फिर से खतरे की स्थिति में आ गए हैं। सुरक्षा क्षमता के नजरिए से हम निचले जोखिम भरे और अस्वीकार्य स्तर पर हैं। हमें ये याद रखना होगा कि टीके की दोनों खुराक और मास्क अहम हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि हमें अपनी और आसपास के लोगों की कोविड-19 से रक्षा करने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रोन के मामले सभी वेरिएंट के मामलों के 0.04% से भी कम हैं। सभी मामले में हल्के लक्षण देखे गए हैं। उन्होंने कहा है कि चिकित्सीय रूप से ओमिक्रोन से स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था पर अभी तक बोझ नहीं पड़ रहा है, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। उम्मीद करते हैं दस्तक 24 की ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आप भी घर से बेवजह बाहर न निकलें और कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें। हम नई अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।